हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे 2000 के अंदर बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। प्रोटोनिक्स का साउंड ड्रम, JBL गो, लॉजिटेक का X100, फिलिप्स SBA 3010 और फ्रंट टेक का JIL 3906। सो गाइस, बात करते हैं कि इसमें से आपको सबके में फीचर बताऊँ, उससे बेटर मैं आपको एक बेस्ट ऑप्शन बताऊँ जो मैंने खुद अपने लिए परचेस किया है। सबके फीचर कंपेयर करने के बाद जो है प्रोटोनिक्स का साउंड ड्रम। अब बात करते हैं वो कौन से फीचर्स हैं सारे, तो चलिए एक बार पूरे फीचर की लिस्ट देख लेते हैं इसके। सो गाइस, बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की लिस्ट की, तो सबसे पहला तगड़ा फीचर मुझे लगता है इस प्राइस के अकॉर्डिंग 1700 to 1800 का आपको मिल जाएगा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, वो है इसकी आउटपुट जो कि है 10 वॉट की। आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर करेंगे इस प्राइस पॉइंट पे, बहुत ही कम रिप्यूटेड ब्रांड है जो आपको इतनी आउटपुट दे रहे हैं। अगर आप सोनी, JBL बड़े ब्रांड देखेंगे वो तो आपको 5 वॉट से ऊपर इस प्राइस में मिल ही नहीं पाएगा। सो उसके कंपैरेटिव इसकी जो साउंड है वो काफ़ी क्लियर है, बेस काफ़ी पंची है। आप साउंड को 90% भी करते हैं तो साउंड में कोई भी डिस्ट्रॉशन मुझे नहीं देखने को मिलती है, जरा सी भी आवाज़ इसकी फटती नहीं है। और क्योंकि ये 10 वॉट का स्पीकर है तो इसकी साउंड, इसके साइज़ को आप देख सकते हैं, काफ़ी स्मॉल है ये, पर इसकी साउंड काफ़ी तगड़ी है। मैं आपको अभी आगे रिव्यू में इसकी साउंड का पूरा एक रिव्यू देने वाला हूँ, आपकी साउंड पूरा सुना के आपको दिखाऊंगा। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। इसका डिज़ाइन भी एक काफ़ी प्रीमियम लगता है, आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बिल्कुल एप्पल के होम पॉड की तरह है, एक सर्कुलर डिज़ाइन है। सर्कुलर डिज़ाइन होने का फ़ायदा क्या है कि एक स्पीकर इसके राइट पे होता है और दूसरा इसके लेफ्ट पे, उससे क्या होता है कि आपको एक 360 डिग्री की साउंड मिलती है क्योंकि दोनों स्पीकर जो हैं वो एक्यूरेटली 180 डिग्री पे प्लेस होते हैं। प्लस इसके अंदर जो ऊपर आप ये देख सकते हैं जहाँ पे प्रोटोनिक्स की इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है, ये पूरा एक वाइब्रेट होता है और यहाँ पे लगा हुआ है एक बेस रेडिएटर जो कि आपको एक पंची बेस देगा और आपको देखने में एक इफेक्ट भी तगड़ा मिलेगा। जब वो हिलेगा तो आपको एक बढ़िया लुक की फील आएगी, क्योंकि इसका जो बेस है वो एक प्लास्टिक बिल्ड है, तो अगर आप इसको वुडन बेस पर रखेंगे, किसी भी वुडन आप स्लैब या किसी भी वुडन बेस पे इसको रख देंगे तो इसकी जो साउंड है वो आपको और ज़्यादा तगड़ी सुनाई देगी और फुल सुनाई देगी। आप कमरे में काफ़ी आपको भरी भरी साउंड सुनाई देगी। आप कंपैरेटिवली अगर आप इसे ग्लास पे रखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। ये एक फ़ायदा होता है कि हमेशा जो प्लास्टिक बिल्ड होते हैं उसको आप वुडन के उस पर रख के ही साउंड को अपनी प्ले करें, अगर आप घर में कोई पार्टी या स्मॉल गैदरिंग कर रहे हैं। कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो उसके अंदर आपको ब्लूटूथ का सपोर्ट देखने को मिलेगा, इसके अंदर बिल्ट इन FM आपको देखने को मिलता है, ऑक्स सपोर्ट भी इसके अंदर है, प्लस इसके अंदर USB का सपोर्ट भी है। तो गाइस 1700 के अंदर आपको सारे ही फीचर, सारे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे तगड़ी बात इस प्राइस पॉइंट पर और क्या लोगे यार। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रही इसकी सारे फीचर्स। इसकी बैक पे की रबड़ काफ़ी अच्छी बिल्ट का आपको दे रखा है, जैसे आप उसे ओपन करते हैं आपको सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं ऊपर ये जो ब्लू लाइट है ये इसकी चार्जिंग और इसको ऑन ऑफ को डिनोट करती है, नीचे USB पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके नीचे है एक ऑक्स केबल और लास्ट में आपको एक चार्जिंग का पोर्ट दिखेगा। और गाइस एक और स्पेशल फीचर है इसके अंदर कि आपको इस प्राइस पॉइंट पे एक स्प्लैश प्रूफ डिवाइस मिलने वाला है। ये IP6 की रेटिंग के साथ आता है, इसका मतलब है कि आप नहाते हुए जिसको गाना सुनने पसंद है मेरी तरह तो वो भी गाने सुन सकता है, बट आप ये ध्यान रखें कि एक स्प्लैश प्रूफ डिवाइस है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो इसको पानी के अंदर डाल के मत सुने, कहीं आप स्विमिंग पूल के अंदर इसको लेके चले जाएं और फिर आपको जो वारंटी है वो मिलेगी नहीं, आपका पैसे हो जाएंगे बिल्कुल वेस्ट। तो एक स्प्लैश प्रूफ है, अगर आप शार्क नीचे से रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, उतना ये झेल जाता है। IP6 रेटिंग इज़ 2 meters for 30 minutes, सो उससे ज़्यादा इसको आप पानी के अंदर ना रखें, बट एक बहुत ही अच्छा एड ऑन फीचर है इस प्राइस पॉइंट के लिए। तो बस चलिए कुछ फीचर देखते हैं इसके। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 buttons आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो बटन है इसका, अगर आप उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका स्पीकर ऑन या ऑफ हो जाएगा उससे, और अगर आप इसको ऑन करने के बाद सिंगल टैप करेंगे तो उससे आप चेंज कर सकते हैं FM और ब्लूटूथ मोड के बीच। प्लस नीचे आपको देखने का प्लस और माइनस, जिससे आप अपनी साउंड कंट्रोल करेंगे, वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे। और जो बीच का बटन है वो है आपका शफल के लिए, सॉन्ग आपको अगर आगे करना है या फिर शफल करना है तो आप इस बटन को यूज़ करके कर सकते हैं। चलिए स्पीकर को ऑन करते हैं और आपको सुनाते हैं इसकी असली साउंड जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हैं। पावर ऑन। जैसे आप इसे ऑन करेंगे, ऑन करते ही आपको सुनाई देगा कि पावर ऑन। डिवाइस पेयर्ड। डिवाइस मैंने ऑटोमेटिकली इसमें ऑलरेडी पेयर कर रखा है और अब मैं इसमें एक गाना आपको प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको साउंड की क्वालिटी का पता चल जाएगा।
वैसे भी आपने इसकी आवाज सुनी, आपने देखा होगा कितनी लाउड ये चला जाता है, इसकी वॉल्यूम काफी लाउड थी कंपैरेटिव टू इसके साइज को देखते हुए, और जो इसकी बेस है काफ़ी पंची थी और साउंड काफ़ी क्लियर थी, क्योंकि मैंने वॉल्यूम अभी फुल पे कर रखी थी तो काफ़ी क्लियर वॉल्यूम थी, बिल्कुल भी फटी नहीं थी। हल्का सा जो डिस्टॉर्शन होता भी है वो तब होता है जब गाने में बहुत ही ज़्यादा बेस हो। तो अभी आपने देखा नॉर्मल गाना मैंने प्ले किया इसके अंदर, और काफ़ी तगड़ा गाना भी है वन एंड ओनली करण औजला की तरफ से, और जो साउंड है इसकी वो काफ़ी तगड़ी आ रही है। अब मैं आपको एक गाना इसमें और प्ले करके दिखाता हूँ जिससे आपको साउंड का पता चल जाएगा। अभी इस गाने में बेस थी तो आपने इसका देख लिया, बेस काफ़ी तगड़ी है, पर अब मैं सिर्फ एक मिड जिसमें ज़्यादा हाई नहीं है, वो गाने के अंदर ज़्यादा मिड्स एंड लोज हैं, उस गाने को प्ले करूँगा जिससे आपको एक प्रॉपर साउंड का पता चल जाए। जिन लोगों को सैड सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद है, जिनका अभी भी ब्रेकअप हुआ, ये उनके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ, तो आप एक बार देखें। ये मेरा अपना ही गाया हुआ गाना, मैंने खुद ही ट्राई किया, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, तो मैंने क्यों ना थोड़ा सा अपनी भी प्रमोशन कर ली जाए। सब झूठ था वो तेरा हंसना हंसाना, तू बेवफा फिर भी दिल न माना, जाने वाले लौट कर तू आया क्यों नहीं, आऊंगा मैं बोल कर तू आया क्यों नहीं, कोई वादा तू निभाया क्यों नहीं, मैं बोल कर तू। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करो अपने सजेशंस, आप बताते रहा करो कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और वीडियो में आपको क्या कमी दिख रही है, हम उसको इम्प्रूव करके और आपके सजेशन के ऊपर वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक शेयर कर दो यार इस चैनल को, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दो क्योंकि सब्सक्राइबर की काफ़ी नीड है इस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सत श्री अकाल।